राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग में आज दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार मेटाडोर के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार ईश्वर साहू और प्रेम कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल पेंड्री लाया गया। इधर हादसे के बाद मौके पर लोगों ने भीड़ लगा दी और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत करने का प्रयास किया। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब गुस्साए लोगों ने सड़क हादसे के बाद चक्का जाम किया है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। राजनांदगांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पे ग्रामीणों की जो मांग थी, उनके मांगे कि यहाँ पे बेहतर रहना चाहिए। पिछले बार घटना घटी थी 11 दिन पहले, तो हमारी टीम पीडब्ल्यू टीम प्रशासन की टीम ने यहाँ आके सर्वे किया था। डिवाइडर के लिए जगह चिन्हांकित की थी और किसी कारणवश वो बन नहीं पाया है। हमने इन्हें समझाया कि हम आज अधिकारियों को मौके पर बुला रहे हैं और जल्द ही जल्द इसमें बेहतर का निर्माण यहाँ कराया जाएगा। मेरा सुझाव यही है कि जो अभी शराब भट्टी खुला है ना, इस रोड नाला के पास आगे वाला, उसको बंद किया जाए। एक्सीडेंट और इसका मेन कारण तो वही है, लोग आते आते खरीद रहे हैं, मजदूर वर्ग है, काम वाले लोग हैं, छूटते आते हैं तो पी लेते हैं अज्ञानतावश। लोगों में जागरूकता भी होना चाहिए।